मित्रों सब्सक्राइब कीजिए ज्योतिष निकेतन चैनल को और बेल आइकन को दबाइए नई वीडियो देखने के लिए सबसे पहले। मित्रों नमस्कार, आज वेदों के अमृत का स्वाद चखाएंगे। अथर्ववेद के चौथे कांड के 13वें सूक्त में 7 मंत्र हैं। इस सूक्त को रोग निवारण सूक्त कहते हैं। इस सूक्त के ऋषि संताति देवता चंद्रमा व विश्वदेवा हैं और छंद अनुष्टुप है। सूक्त का सार बताते हैं। हे देवताओं, हम पतितों को बार बार ऊपर उठाएं, हम अपराधियों के अपराध कर्मों का निवारण करें, हमारा संरक्षण करते हुए आप हमें दीर्घायु बनाएं। ये दो वायु एक समुद्र पर्यंत और दूसरे समुद्र से सुदूर प्रवाहित होते हैं, उन दोनों में से एक तो आपको बल प्रदान करें और दूसरे आपके पापों को विनष्ट करें। हे वायुदेव, आप व्याधियों का निवारण करने वाली कल्याणकारी औषधियों को लेकर आए, जो अहितकर पाप हैं उन्हें यहाँ से भागकर ले जाएं। आप संसार के लिए औषधि रूप कल्याणकारी देवदूत बनकर सर्वत्र संचार करते हैं। इस लोक में समस्त देवगण हमें संरक्षण प्रदान करें, मरुदगण और समस्त प्राणी हमारी रक्षा करें, वे हमारे शरीर के रोगों और पापों का निवारण करें। हे स्तोताओं, आपके लिए सुख शांति प्रदायक और अहिंसक संरक्षण साधनों के साथ हमारा आगमन हुआ है। आपके लिए मंगलमय शक्तियों को भी हमने धारण किया है। अस्तु, इस समय तुम्हारे संपूर्ण रोगों का निवारण करता हूँ। यह हमारा हाथ सौभाग्य युक्त है, अति सौभाग्यशाली। यह हाथ सबके लिए सभी रोगों का निवारण करता है। यह हाथ शुभ और कल्याणकारी है। मंत्रों का उच्चारण करते समय जैसे वाणी के साथ जिह्वा गति करती है, वैसे ही 10 उंगलियों वाले दोनों हाथों से आपका स्पर्श करते हुए आपको रोगों से मुक्त करते हैं। नई चर्चा नई वीडियो के साथ कल फिर मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों।